चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथड सारण में। फिर मैं हाजिर हो गए एक नया सेशन लेके। आज हम क्या करने वाले हैं, तो जिस तरीके से आपके बोर्ड पे दिख रहा है इस तरह के कई टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एसएससी में, हर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को आप कैसे कर पाएंगे, महज कुछ सेकेंड में ही आंसर निकाल पाएंगे, देखते ही आंसर निकाल पाएंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल आप वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। कई टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला टाइप देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रूट दो हो और प्लस प्लस और ये कहां तक जा रहा हो, यानी अनंत तक जा रहा हो। याद रखिएगा, जब भी रूट में हो दो प्लस रूट दो प्लस रूट दो, ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो क्या करना है, अंदर वाली संख्या को निकालना है। अंदर वाली संख्या क्या है, दो है। इसका इस तरीके से गुणनखंड करना है, यानी कि इस तरीके से फैक्टर करना है कि इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आए। अंतर कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो दो और एक का, दो का गुणनखंड क्या हो गया, दो गुना एक। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है जी, तो एक का अंतर है। जब अंदर प्लस दिया रहा है, ये चीज नोट करके लिख लीजिए, आप नोट करके लिख लीजिए कि जब अंदर प्लस हो, जब अंदर प्लस हो तो बड़ी वाली संख्या लेना है, यानी कि जब बड़ी वाली संख्या लेना है, बड़ी वाली संख्या को लेना है, यानी कि जब अंदर प्लस हो और गुणनखंड जब हो जिसका डिफरेंस एक आए तो बड़ी वाली संख्या लेना है। तो इसका गुणनखंड दो गुना एक दो आया, तो इसमें बड़ी संख्या क्या लेना है, प्लस होता है। तो क्या होता है, किसी भी संख्या में आप संख्या को जोड़िएगा, एक में एक जोड़िएगा तो दो क्या होगा, बड़ा होगा। यानी जब भी प्लस की बात की जाए तो बड़ी संख्या लेना है। तो रूट दो प्लस रूट दो प्लस रूट दो का आंसर क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या क्या है, दो है। तो इसका आंसर क्या हो गया, दो आ गया। फिर इसी तरीके से रूट बारह को लेंगे, फिर अंदर वाली संख्या बारह को लेंगे, तो बारह का क्या गुणनखंड करें कि अंतर एक आए। तो हम देखेंगे कि चार गुना तीन यानी कि बारह, इसका अंतर कितना आ गया, एक। अब हमको क्या लेना है, अंदर 12 है और ये अंदर प्लस है, यानी कि हमको बड़ी संख्या लेना है। तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, चार, और तीन में सबसे बड़ी संख्या क्या है, चार है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अब 72 है, अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 है, इसका भी हम फैक्टर करेंगे। इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 8 72 यानी कि 9 गुना 8। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो 9 में से 8 गया 1, यानी अंतर 1 है। हमको सबसे प्लस है तो बड़ी वाला संख्या लेना है, तो बड़ी वाला संख्या क्या लेंगे, तो 9 लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज सेशन जबरदस्त होने वाला है, कई टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इस तरह के टाइप जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक ही वीडियो में हम खत्म कर देंगे। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया, 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है, अंडर रूट 110 है। क्या है, अंडर रूट 110 है। इसको देखते हैं क्या करेंगे, अंदर वाली संख्या को हम बाहर लेंगे, यानी कि 110 को हम बाहर लेंगे। 110 को जब हम बाहर लेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टर करेंगे, तो हमें मिलेगा 11 गुना 10। 11 गुना 10, इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, 11 और 10 में तो एक का डिफरेंस है। हमें क्या लेना है, सबसे बड़ी संख्या लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। देखिए कितना जल्दी आप कर, इसका गुणनखंड आप जितना जल्दी गुणनखंड कर लीजिएगा आंसर आप उतना जल्दी दे सकते हैं। अगर आपने 110 को हवा में कैलकुलेट, 11 गुना 10 110, यानी प्लस है, आंसर 11 कुछ सेकेंड में आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 156। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। चलिए जो क्वेश्चन टाइप 1 में था, सेम क्वेश्चन हमने क्या रखा है, टाइप 2 में, लेकिन वहां प्लस में था, यहां हमने क्या रखा है, माइनस में। तो देखिए इस टाइप के यानी कि टाइप 2 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने आपको टाइप 1 में क्या बताया है कि सबसे पहले अंदर वाली संख्या को बाहर लेना है, यानी कि इस क्वेश्चन में रूट दो है तो दो को बाहर लेंगे। इसका गुणनखंड करेंगे तो हमने गुणनखंड कर लिया है, दो गुना एक, इसका डिफरेंस कितना, एक है। यहां पे एक नोट करके लिख लीजिए, जब अंदर वाली संख्या नेगेटिव हो, जब अंदर वाली संख्या नेगेटिव हो यानी कि माइनस हो, तो सबसे छोटी वाली संख्या लेना है। तो सबसे छोटी वाली
छोटी वाली संख्या को लेना है। ये चीज हम दिमाग में रखेंगे, जब नेगेटिव हो और ये संख्या अनंत तक जा रहा हो तो छोटी वाली संख्या लेना है, कुछ नहीं करना है। दो गुना एक, डिफरेंस कितना, एक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटी वाली नेगेटिव है तो छोटी वाली संख्या क्या है, एक, इसका आंसर आ गया एक। इसी तरीके से 12 का गुणनखंड हमने क्या किया था, 12 का किया था 4 गुना 3, अंतर आपका कितना था एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस है, ये अनंत तक जा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। अब आप भी आंसर इसका देने लगे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भी आंसर इसका देने लगे होंगे। ठीक उसी तरीके से 72 है, 72 का फैक्टर करेंगे 9 गुना 8 72, अंतर आपका एक है, यहाँ पे माइनस में है तो इसका आंसर आप भी अब देने लगे होंगे कि अच्छा इसका आंसर तो 8 होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर 8 ही होगा। ठीक उसी तरीके से 110 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 11 गुना 10 अंतर एक है, लेकिन इस क्वेश्चन में रूट 110 माइनस रूट 110 यानी कि माइनस है, तो जब भी माइनस होता है तो गुणनखंड का सबसे छोटी वाली संख्या लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 गुना 10 है तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, ठीक उसी तरीके से 156 माइनस 156 इसका आंसर आप क्या करेंगे, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को लाइक करके जाना है और स्किप अभी भी नहीं करना है, अभी और टाइप के एग्जांपल जो हैं बाकी उसको भी हम करने वाले हैं। चलिए अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर तीन क्या है कि जब भी अगर संख्या दिया रहा है जैसे रूट तीन गुना रूट तीन गुना रूट तीन, यानी जब भी मल्टीपल में है, नोट करके लिख लीजिए, जब भी संख्या मल्टीपल में यानी कि गुना में हो, क्या हो, गुना में हो तो दी गई संख्या ही आंसर होता है, दी गई संख्या ही उत्तर होता है, ये दिमाग में उत्तर होता है, ये दिमाग में डाल लीजिए। कब, जब भी संख्या मल्टीपल में दिया रहे और अनंत तक हो, मल्टीपल में हो तथा अनंत तक हो, यहां लिख लीजिए तथा अनंत तक हो तो दी गई संख्या, अनंत तक हो तो दी गई संख्या ही आंसर होता है। ये मतलब क्या कि ये संख्या देखिए रूट तीन गुना रूट तीन, ये क्या है, मल्टीपल में है यानी कि गुना में है और अनंत तक हो तो कुछ नहीं करना है, इसे आप जस्ट कुछ सेकंड में देखते ही आंसर दे देंगे, आप 2 सेकंड में इन चारों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है, यानी कि रूट तीन गुना रूट तीन गुना रूट तीन गुना ये अनंत तक हो तो इसका आंसर वही होता है जो रूट के अंदर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये 5 5 है तो इसका आंसर 5 आंसर होगा, इसका रूट 7 7 है तो इसका आंसर 7 होगा, ये रूट 11 11 है तो इसका आंसर 11 होगा, देखिए कितना सेकंड में। लेकिन आपके अंदर एक सवाल गुजरता होगा, एक सवाल आता होगा कि अगर ये इन्फिनिटी तक ना रहे तो क्या होगा, अगर ये संख्या इन्फिनिटी तक ना रहे तो क्या होगा, तो उसको हम अगले टाइप में लेते हैं और शुरू करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया, नोट करके लिख लीजिए, जब भी संख्या मल्टीपल में हो तथा दी गई संख्या अनंत तक हो तो दी गई संख्या उत्तर होता है, यानी कि उसके अंदर रूट के अंदर जो भी संख्या होगा वही आपका आंसर होगा, कब, जब अनंत तक होगा। चलिए अगला टाइप, टाइप 4 देखते हैं, वो क्या है, वो भी अलग है, स्किप ना करें, बिल्कुल देखें। चलिए अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप है टाइप नंबर फोर में क्या क्वेश्चन दिया है, हमने इसके पहले क्या क्वेश्चन किया है कि अगर वो संख्या इन्फिनिटी तक रहता है, यानी कि अगर ये संख्या इन्फिनिटी तक रहता है तो इसके अंदर जो दी गई संख्या होती है वही हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन ये संख्या इन्फिनिटी तक नहीं है, ये संख्या जो है इन्फिनिटी तक नहीं है, तो इस तरह के प्रश्न को आप कैसे करेंगे, आइए मैं बताता हूँ, बहुत इजी ट्रिक है, आप कुछ सेकंड में करने लग जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक फॉर्मूला है जिसे आपको दिमाग में रखना है, अगर वो फॉर्मूला भूल भी गए तो आप आंसर निकाल सकते हैं, वो भी मैं ट्रिक जो है ये बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको दिमाग में जो है याद कर लीजिए, क्या है, a के पावर 2 के पावर n - 1/2 2 के पावर n, ये फॉर्मूला है। अब देखिए क्या है a का मतलब होता है अंदर दी गई संख्या, अंदर
दी गई संख्या, यानी इसके अंदर जो दी गई संख्या जो है ये है, एन का मतलब है कितनी बार संख्या दी गई है, एन जो है कितनी बार मल्टीपल में कितनी बार गुना में संख्या दी गई, कितनी बार गुना में संख्या है, गुना में संख्या यानी कि मल्टीपल है एक दो तीन चार पाँच, बात को समझिए। अब कुछ नहीं करना है, अब देखिए आपने देख लिया कि ए यहाँ ए का मान क्या हो गया, यहाँ ए का मान दो हो गया, एन बात करें तो एक दो तीन चार पाँच, एन की संख्या कितनी हो गई पाँच, बात को समझ रहे होंगे। ए मतलब अंदर जो मल्टीपल में संख्या जो दिया गया एक दो 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 ए हो गया, ए क्या हो गया हमारा दो हो गया, एन क्या है यानी कितनी बार मल्टीपल में है एक दो तीन चार पाँच, यानी दी गई संख्या कितनी बार में है, ये समझ में आ गया कि एन बराबर पाँच। अब हमारा आंसर क्या है निकल गया, हमने क्या किया ए के पावर दो के पावर एन माइनस वन बटा दो के पावर एन, ये हमारे पास दो है, दो ऊपर क्या है दो के पावर पाँच माइनस एक बट्टा दो के पावर पाँच, यानी कि दो के पावर पाँच कितना होता है बत्तीस, यानी दो के पावर बत्तीस माइनस वन बट्टा बत्तीस, यानी कि दो के पावर इकतीस बट्टा बत्तीस क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, दो के पावर इकतीस बट्टा बत्तीस यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज आप भूल गए तो क्या करेंगे, अगर ये चीज भूल गए तो क्या करेंगे, आपको इतना दिमाग में रखना है ये संख्या जो होगा इसके पावर में ही, यानी यहाँ पे जो भी संख्या दिया रहेगा उसके पावर में ही सारा काम होगा। आप गिन लेंगे एक दो तीन चार पाँच, पांच संख्या है, यानी कि अगर दो के पावर बत्तीस नीचे वाली संख्या में, जैसे दो के पावर बत्तीस होता है तो बत्तीस को नीचे लिख लीजिए और इससे एक माइनस कर दीजिए, क्या करना है आपको नीचे वाली संख्या से यानी हर में से एक माइनस करके अंश में लिख देना है, वही आपका आंसर हो गया। इतना चीज आप भूल भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दो के पावर पांच कितना होता है बत्तीस होता है, तो बत्तीस और इसमें से एक माइनस करके ऊपर इकतीस लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो दिख रहा है इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर आप क्या करेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ये लिख के देंगे कि टाइप थ्री का क्वेश्चन नंबर दो का आंसर है। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ ए आपको समझा दूं, ए यहाँ पे तीन है, बस आगे आप क्रिया कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप क्या है टाइप नंबर फाइव। क्वेश्चन आपको देख के लगा होगा कि पहले की तरह है लेकिन ये डिफरेंस है, कह रहा है यदि वाई बराबर अंडर रूट तीन प्लस अंडर रूट तीन प्लस रूट प्लस ये इन्फिनेट तक है तो वाई का मान कहाँ तक होगा। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कि तीन को बाहर निकाल के इसका गुणनखंड करते हैं, तो क्या तीन का गुणनखंड इस तरीके से होगा जिसका डिफरेंस जो है ये डिफरेंस एक आए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तीन है तो ये प्लस में दिया है तो इसके बाद जाएंगे, यानी प्लस है तो इसमें आगे जाएंगे चार, फिर देखेंगे चार का गुणनखंड कितना होता है तो दो गुना दो, इसका भी डिफरेंस क्या होगा एक नहीं होगा, फिर आगे जाएंगे पांच का भी नहीं होगा छः का होगा, तो देखेंगे छः का गुणनखंड तीन गुना दो होता है और ये एक डिफरेंस होता है। तो यहाँ हमें क्या सीख मिलता है, यानी जो है ये संख्या जो होगा दो से दो लेस देन वाई लेस देन तीन यानी इसके बीच ही होगा, दो और तीन के बीच ये संख्या होगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ये प्लस है तो आपको आगे बढ़ना है, यानी दी गई संख्या से आगे बढ़ना है, अगर ये माइनस रहता तो हम इधर आते, बात समझ रहे हैं। चलिए इस पे कुछ और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको नहीं समझ में आएगा तो वो भी आ जाए। चलिए इस पे एक और एग्जांपल हम करिए लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टाइप फाइव में ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर पिछला क्वेश्चन से आपको नहीं समझ में आया तो हम इसको कैसे करेंगे। देखिए अगर दी हुई संख्या सात हो, अंडर रूट में सात हो, इन्फिनिट तक हो, तो पूछ रहा है y का जो मान होगा ये किन दो संख्या के बीच होगा, यानी किन दो संख्या के बीच होगा यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सात को बाहर लेंगे, क्या सात का गुणनखंड ऐसा हो सकता है जिसका डिफरेंस क्या हो एक हो, आप बोलेंगे सात नहीं हो सकता है, ये प्लस में है, जब प्लस में है तो ये संख्या आगे लेंगे आठ, आठ भी ऐसा गुणनखंड हो सकता है कि जिसका डिफरेंस आठ हो, डिफरेंस एक हो नहीं,
नौ का भी, नौ का तीन गुना तीन नहीं, दस का भी नहीं होगा पांच गुना दस, ग्यारह का भी नहीं होगा तो बारह। हम बारह संख्या लेते हैं जिसका जो फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो चार गुना तीन यानी कि बारह, और डिफरेंस क्या आ गया एक आ गया, यानी कि हम बारह ले सकते हैं। जब हम बारह ले लेंगे तो ये किसके बीच में आ जाएगा, तीन और चार के बीच में आ जाएगा, यानी कि तीन लेस देन वाई लेस देन चार, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगा तीन और चार के बीच में हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्लस में हो तो बस इससे आगे वाले संख्या लेते चलिए, जिसका जो फैक्टर होगा वो इस तरह होना चाहिए कि डिफरेंस एक आना चाहिए। आपने सात से चले गए बारह तक, डिफरेंस एक आ गया, इसका मतलब ये जो संख्या होगा तीन और चार के बीच में होगा, तीन लेस देन इज इक्वल टू वाई लेस देन इज इक्वल टू फोर। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर सिक्स। देखिए इससे पहले जो प्रश्न हमने किए हैं उसमें अंदर क्या था, प्लस था, यहाँ पे अंदर क्या है माइनस है, ये दोनों प्रॉब्लम हमारा सही हो जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, सात माइनस में है, हमने क्या 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 कहा था कि अगर संख्या प्लस में दी रहे तो आगे बढ़िए, ठीक है, प्लस का मतलब होता है कि आगे बढ़ जाना और माइनस का अर्थ होता है कि पीछे घट जाना। सात से पीछे आएंगे छः, इसका फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा तीन दुना छः, यानी कि डिफरेंस क्या आ गया एक आ गया, तो बस हमारा आंसर आ गया। ये इस वाई का मान होगा दो लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू तीन, यानी कि वाई का मान जो होगा वो दो और तीन के बीच में होगा। मुझे आशा है कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। एक और लास्ट टाइप है टाइप सेवन, उसको भी कर लेते हैं। तो चलिए टाइप सेवन देखते हैं। चलिए टाइप सेवन में क्या है, टाइप सेवन में यदि y बराबर अंडर रूट तीन का क्यूब अंडर रूट नाइन अंडर रूट तीन का क्यूब अंडर रूट नाइन ये इन्फिनाइट तक हो तो y का मान क्या होगा। देखिए तीन का क्यूब नौ को हम क्या लिख सकते हैं तीन का स्क्वायर, ये क्या है तीन का क्यूब, इस नौ को लिख सकते हैं तीन का स्क्वायर। जब भी बेस समान हो, और पावर से मतलब नहीं है, जब बेस समान हो पावर अलग हो, जब बेस समान हो पावर अलग हो तो आंसर क्या होता है, आंसर हो जाता है बीस, बेसी आंसर हो जाता है। तो तीन के पावर एक यानी कि तीन कह सकते हैं, ठीक है, तीन के पावर एक यानी कि तीन आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।